नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर 2022 से हो रही है। 9 दिनों में मंदिरों, घरों और भव्य पंडालों में कलश स्थापना की जाएगी और माता रानी की उपासना भी होगी। नवरात्रि में लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत भी रखेंगे। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है जिसमें अनाज फलाहार शामिल होते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते वे लोग भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। भोजन में 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में लहसुन प्याज खाने की मनाही क्यों है? अगर नहीं जानते तो आगे आइए जानते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यता है, लेकिन जब बात नवरात्रि में प्याज लहसुन खाने की बात आती है तो सभी लोग अच्छे से इस नियम का पालन करते हैं। हिंदू पुराणों के मुताबिक पूजा पाठ या फिर किसी भी व्रत के दौरान लहसुन और प्याज को ना ही उपयोग करना चाहिए, ना ही उनसे बने भोजन का सेवन करना चाहिए। हिंदू पुराणों में बताई गई कथा मुताबिक जब देवता और असुरों के बीच सागर मंथन हो रहा था तो उसमें 9 रत्न निकले थे और आखिरी में अमृत निकला था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तभी दो दानव राहु केतु ने देवताओं का रूप रख लिया और अमृत पी लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया उनका शरीर। माना जाता है कि उनका शरीर जब धर से अलग हुआ तो उनके खून की कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई और उससे ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई, इसलिए प्याज और लहसुन से तीखी गंध आती है। ये भी बताया जाता है कि राहु केतु के शरीर में अमृत की कुछ बूंदे पहुंच गई थी, इसलिए उनमें रोगों से लड़ने क्षमता पाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि प्याज और लहसुन से अधिक प्रयोग में धन से इंसान का मन भटक जाता है और दूसरों कामों में लगने लगता है। पुराणों में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है। कहा जाता है कि तामसिक और राजसिक गुण बढ़ने से इंसान की अज्ञानता बढ़ती है, इसलिए हमेशा से सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है ताकि उनका मन धर्म में लगा रहे। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी पर्वती की भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से घर में शांति, रोग और चिंताएं घर में प्रवेश करती है, इसलिए प्याज लहसुन को सेवन खाना हिंदू धर्म में वर्जित है। आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति और खाने के बाद शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर 3 श्रेणियों में है, जैसे राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। व्रत के दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन इसके पीछे धार्मिक मान्यता एक अलावा एक वैज्ञानिक कारण भी है। शारदीय नवरात्रि अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है, जिस दौरान मौसम शरद ऋतु से सर्दियों के मौसम में जाने लगता है। मौसम बदलने के कारण इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसे में इस मौसम में सात्विक भोजन करने से डाइजेशन सही रहता है और शरीर में टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक प्याज और लहसुन को तामसिक प्रकृतिक माना जाता है और कहा जाता है कि शरीर में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है जिससे मन भटक जाता है, इसलिए नवरात्रि के उपवास के दौरान इसकी अनुमति नहीं है। प्याज के साथ लहसुन की रजोगिनी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि लहसुन को ऐसा पदार्थ जिसमें आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा।